नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन तो सभी के मन में रहता है कि हम किसी भी रेलवे स्टेशन में जाके और कहीं के लिए भी हम तत्काल में टिकट बुक करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते। तो देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई भी ऑफिशियली जवाब नहीं मिला जिससे मैं संतुष्ट रहा हूँ। इसके बाद से मैं रेलवे स्टेशन में जाता हूँ और जो विंडो में बैठता है टिकट बुक करने वाला, यही क्वेश्चन मैं उससे कर देता हूँ और उसने जो मुझे जवाब दिया है उसी के आधार पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अगर किसी बंदे को पहले से इसका जवाब पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर देना, मैं आपका जो कमेंट्स है उसको पिनअप कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, किसी भी रेलवे स्टेशन से और कहीं के लिए भी तत्काल में टिकट बुक करा सकते हैं, इसका जवाब यस भी है और नो भी है। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला एग्जांपल, मेरा जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो जबलपुर लगता है और मेरा जो फ्रेंड है वो भोपाल में बैठा है और उसको जाना है दूसरे दिन दिल्ली। तो उसने मुझे फ़ोन लगाया और बोला कि सत्येंद्र, भोपाल रेलवे स्टेशन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी वजह से मैं रेलवे काउंटर में तत्काल टिकट बुक नहीं ले पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऑनलाइन टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद से बोला कि यार, जबलपुर रेलवे स्टेशन में तो थोड़ी सी भीड़ कम होती है जिस वजह से तू आराम से तत्काल में टिकट ले सकता है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं बुक कर देता हूँ। और इसके बाद से मैं फॉर्म वगैरह फिलअप किया, इसके बाद से बोर्डिंग स्टेशन भोपाल डाला और इसके बाद से उसको जाना था भोपाल से दिल्ली। तो मैंने दिल्ली तक के लिए फॉर्म कंप्लीट भर के और जबलपुर रेलवे स्टेशन में तत्काल में रेलवे काउंटर से टिकट बुक कर लिया और उन्होंने मुझे टिकट भी दे दिया, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद से मेरे पास तो ओरिजिनल टिकट थी। इसके बाद से मैं दोपहर के 12 बजे जबलपुर से निकला और 5 से 6 बजे तक भोपाल पहुँच जाता हूँ। और इसके बाद से मेरा जो फ्रेंड है उसको मैं ओरिजिनल टिकट दे देता हूँ, क्योंकि रेलवे काउंटर में तो ओरिजिनल टिकट ही लगती है, इसकी फ़ोटो वगैरह खींच के काम चला लो ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद से मैं यह ओरिजिनल टिकट अपने फ्रेंड को दे देता हूँ, इसके बाद से वो दूसरे दिन भोपाल से बैठ के और दिल्ली निकल जाता है। तो अगर आप एक ही स्टेट के अंदर हो और आपको इस सिटी से टिकट बुक करना है और आपको इस सिटी से बोर्डिंग करके और आपको जाना कहीं और है, तो ऐसे में आपको तत्काल में टिकट मिल जाएगी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल दूसरा सुना देता हूँ। तो मेरा जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो जबलपुर लगता है और मेरा जो फ्रेंड है वो दिल्ली में जाके बैठा है और उसको दिल्ली से जबलपुर आना है। और उसने मुझे फ़ोन लगाया और बोला कि यार, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है जिस वजह से मैं तत्काल में काउंटर से टिकट नहीं ले पा रहा हूँ, तो एक काम कर, तू जबलपुर से मेरी तत्काल में टिकट बुक कर दे और बोर्डिंग स्टेशन रखना दिल्ली से जबलपुर, और इसके बाद से जबलपुर रेलवे स्टेशन में लाइन में लग के और टिकट बुक कर ले। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं फॉर्म वगैरह कंप्लीट फिलअप किया, इसके बाद से मैं जबलपुर रेलवे स्टेशन में लाइन में लग जाता हूँ। इसके बाद से जो काउंटर में होता है उसने मुझे फॉर्म देखा और इसके बाद से बोला है कि आपको तो दिल्ली से जबलपुर आना है और आप तत्काल में टिकट ले रहे हो, तो ऐसे में हम टिकट कैसे बुक कर दें? और अगर हम कर भी देते हैं टिकट, तो जो ओरिजिनल टिकट होती है वो आपको दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा जिसमें 15 से 16 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से उन्होंने टिकट देने से मना कर दिया। तो बाकी वो लोग टिकट बुक कर सकते थे, बशर्ते कि ओरिजिनल टिकट आपको वहां पर पहुंचाना पड़ेगा। तो फाइनली आप किसी भी रेलवे स्टेशन में जाके और तत्काल में टिकट बुक कर सकते हो, बशर्ते ये रहती है कि जहाँ से आप बोर्डिंग स्टेशन रखना चाहते हो आपको ओरिजिनल टिकट वहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। तो अगर बोर्डिंग स्टेशन आसपास है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्डिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है तो ऐसे में वो लोग टिकट देने से मना कर देते हैं। तो अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमने रेलवे काउंटर में टिकट बुक करा लिया है और क्या हम इसकी फ़ोटो खींच के अपने फ्रेंड को सेंड कर देंगे, तो क्या वो ट्रेवल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है कि नो, नहीं कर सकता है। ऐसे में होता क्या है कि अगर आप फ़ोटो खींच के उसको भेज दोगे अपने फ्रेंड को, तो वो तो वहाँ पर ट्रेन में जाके बैठ जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि जो ओरिजिनल टिकट आपके पास है आप टिकट को कैंसिल करके और रिफंड भी ले सकते हो, तो ऐसे में रेलवे को ही घाटा है। इस वजह से अगर आपने रेलवे काउंटर से टिकट बुक किया है तो आपको ओरिजिनल टिकट तो साथ में रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप ट्रेवल कर पाओगे। हालांकि PNR नंबर डाल के तो पता चल ही जाएगा कि आपकी टिकट कैंसिल हुई है या पर ये अभी भी वैलिड है, लेकिन रेलवे का तो यही नियम कहता है कि अगर आपने रेलवे काउंटर से टिकट बुक कराया है तो आपको ओरिजिनल टिकट लेके ही ट्रेवल करना पड़ेगा।